Welcome back to the show, Immigration with Tariq. Ab mere khayal se callers already wait kar rahe the patiently during the break. Let's take another call. Assalamu alaikum, ji. Hello, assalamu alaikum. Ji. Ji, mera naam Anjum hai and main British citizen hai. Last August mein meri shaadi hui hai. Ji. Aur uske baad mein main wahan pe 5 months thi. Aur sorry, aapki awaaz clear nahi aa rahi. Can you hear me now? हाँ, थोड़ा ऊंचा बस बोल लें प्लीज. अच्छा, तो मैं अगर लास्ट अगस्त में मैं इंडिया में थी और मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ, तो लास्ट अगस्त में मेरी शादी हुई है. अगस्त के 4 महीने के बाद में मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो फिर उसके बाद में 2 महीने वहाँ पे थी और उसके बाद में यहाँ पे आ गई हूँ. तो आई एम 6 मंथ्स प्रेग्नेंट नाउ. तो अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो अभी यहाँ पे मेरे कोई पेरेंट्स वगैरह कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ. तो अभी मैं काम भी नहीं करती हूँ और एक घर है मेरे नाम पे और मेरे कुछ सेविंग्स है. एक साल से मैं कुछ सेविंग्स कर रही हूँ, 20,000 pounds और समथिंग, बट अभी तो मैं काम नहीं कर रही हूँ. तो अभी मैं अकेली हूँ और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो अभी मैं अपने हस्बैंड को कैसे बुला सकती हूँ? और काम तो मैं करती नहीं हूँ. अभी हॉस्पिटल में बोल रहे हैं कि आपके हस्बैंड होंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आप बहुत एनीमिक है एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आप हस्बैंड को बुला लो. लेकिन मैं अभी जब हस्बैंड को बुलाना चाहती हूँ लेकिन बुला नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं काम नहीं कर रही हूँ. आई कैन शो दैट स्लिप्स वगैरह मैं नहीं दिखा पाऊँगी अभी. तो अभी मैं क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. अगर आप कुछ बोल देते या नहीं, तो अब मैं ब्रॉमली कैंट में रहती हूँ, तो मुझे कोई एशियन लीगल एडवाइजर चाहिए जो मैं उनसे मिल के बात कर सकूँ. आप कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मैं टीवी का चैनल बदल रही थी तो मैंने देखा आपको गुफ्तगू करते हुए. तो अगर आप कहीं यहाँ पे ब्रॉमली कैंट में या क्रॉयडन में, अगर कहीं इधर आप कहाँ रहते हैं, तो मैं पहले आपको जवाब दे दूँ, आप मेरा जवाब सुन लें. बिकॉज आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज जो आपकी सिचुएशन है काफ़ी लोगों की है. आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा और मैं थोड़ा डिटेल में इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि हमें शो के अंदर इजाज़त नहीं है कि हम लोग एडवर्टाइज़ करें फर्म को और एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज वो रेगुलेशन नहीं है. अलबत्त अगर आप रेगुलरली वीनस देखते हैं तो एड्स आते हैं. उसके अलावा अगर आप इस शो को रेगुलर देखते हैं तो हर ब्रेक से पहले ईमेल आता है, और उसकी वजह यही ईमेल देने की कि अगर मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाता हूँ, मतलब लोग मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाते शो के अंदर, दे कैन सेंड द नेम एंड नंबर और ईमेल पे एंड देन आई विल गेट बैक टू देम. तो एज़ फार एज़ दी details are concerned, unfortunately show ka is type ka format nahi hai ki I can give, but of course there is Facebook and YouTube, ab us pe jaye to all the information is there. ab aa jate hain aapke sawal ke upar. dekhiye aapka jawab do hisson mein hai and it will not be something that you would like, lekin I have to explain things to you. pehli baat aa jati hai ki agar aap immigration rule ke andar apply kare, ab rule mein problem ye hai ki ya to aap 6 mahine se kama rahi ho 18,600, bas bachcha agar aapka hota bhi british hoga to uski income add nahi hogi requirement, yani ki financial requirement aapki 18,600 hi rahegi. to ya to 6 mahine se aap wo kama rahi ho apne employment ke andar, ya 1 saal se self employment mein, aur agar jo aapka maternity ka period hai wo exclude bhi ho sakta hai, lekin lagta hai aap job नहीं है. सेविंग का अनफॉर्चुनेटली फॉर्मूला बहुत ही हाई है, यानी कि जो डिफरेंस है आपके डेफिसिट में, राइट नाउ आपका डिफरेंस 18,600 है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2.5 से और 16,000 उसमें ऐड करना है, तो ऑलमोस्ट 62,000 से ऊपर की बात बन जाती है जो 6 महीने के लिए आपके पास सेविंग में होना चाहिए. तो अगर वो भी आपके पास नहीं है तो जो ट्रेडिशनल वे है इमिग्रेशन रूल का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के अंदर, वो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे. तो अब आप सेकेंड एस्पेक्ट पे आ जाते हैं कि जी अगर मैं नॉर्मल तरीके से इमिग्रेशन कानून के अंदर क्वालिफाई नहीं करती, तो दूसरा तरीका क्या है मेरे हस्बैंड को बुलाने का, जो आपने थोड़ा सा जिक्र किया कि जी मैं डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आपके हस्बैंड का आपके साथ होना ज़रूरी है, तो वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर कंपैशनेट बेसिस पे आ जाता है. उधर इशू ये है कि जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है 3 हफ्ते के अंदर एप्लीकेशन होम ऑफिस वाले डिसाइड कर लेंगे, 4 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपके हक़ में फ़ैसला उन्होंने नहीं दिया, तो फिर आप जुडिशल रिव्यू या अपील की तरफ चली जाएंगी, जिसके अंदर फिर आपका 6-7 महीने भी लग सकते हैं बिफोर द एप्लीकेशन इज़ डिसाइडेड. नॉट टू मैंशन वो कॉस्ट एलिमेंट भी हाई है. तो कहने का मतलब अगर आप ह्यूमन राइट पर डालती हैं और अगर उन्होंने नहीं दिया, जिस विच इज़ हाई पॉसिबिलिटी, बिकॉज ऑफकोर्स मैं गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता कि जी ह्यूमन राइट इतना कंपेलिंग केस है
कि वो आपके हस्बैंड को एंट्री क्लियरेंस दे देंगे, बिकॉज सारी बात है वो कहेंगे कि जी आपके पास NHS है, आपके पास सोशल सर्विसेज हैं जो आपको और आपकी बाकी मे बी एक्सटेंडेड फैमिली हो ना हो, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट के ऐसे अदारे हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज़ इंग्लैंड, या बेनिफिट सिस्टम बड़ा अच्छा है या सोशल सर्विसेज बड़े अच्छे हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर आप अप्लाई करते भी हैं ह्यूमन राइट पे, दे माइट बी कि आपको वैसे ही 5-6 महीने लग जाए उनको बुलाते बुलाते, बिकॉज वो लिटिगेशन के अंदर केस चला जाए, डिस्प्यूट कोर्ट के अंदर चला जाए, और अगर ये बात होगी कि आइदर वो फर्स्ट ट्रिब्यूनल में जाता है या जुडिशल रिव्यू में चला जाता है केस, आपकी और कॉस्ट लगेगी, तो मे बी इट्स बेटर कि रादर देन आप कोई उम्मीद गलत लगा के बैठें, यू नीड टू प्लान आउट योर फ्यूचर, और अगर आपको लगता है आफ्टर लुकिंग एट ऑल द कॉस्ट किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव से जाके बात करें, आई डू अपोलोजाइज कि आप जहाँ रहती हैं उधर लोकल कोई नहीं, बट आई एम प्रीटी श्योर अगर आप थोड़ा रिसर्च करें कोई करीब मिल जाएगा, अगर आप लंदन आना चाहते हैं तो ऑफकोर्स वी आर बेस्ड है और भी बड़े अच्छे लोग होते हैं जो शोज़ करते हैं, एवरी थिंग यू कैन ट्राई टू गेट इन टच, जो नियर हैं आपके आइदर वे, बट कहने का मतलब देन यू हैव टू गेज कि आया इतना खर्चा लगा कि मैं अभी ट्राई करूँ या टेक अ स्टेप बैक और मैं वेट आउट करूँ, इंशाल्लाह मेरे औलाद हो जाए, आई स्टार्ट वर्किंग इवेंचुअली एंड देन वंस आई डन माई 6 months आई कैन कॉल माई हस्बैंड। थोड़ा प्लानिंग करें, क्योंकि आपकी बात नहीं, मैं जनरल लोगों को बात करता हूँ, मेरे पास आते हैं और मैं उनको कहता हूँ कि जी पहले तो ये दिमाग से निकाल दें कि इस सिचुएशन में आपका जल्दी कोई सोल्यूशन निकलेगा, सो एज़ सून एज़ यू एक्सेप्ट दैट देन मे बी आपकी थोड़ी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़ी स्टैंडर्ड और थोड़ी रियलिस्टिक हो जाएंगी। आई डू अपोलोजाइज, मैंने पहले आपको बोला था शायद मेरा जवाब आपको पसंद ना आए, लेकिन इट्स बेटर टू फेस रियलिटी देन आप ये बोलें कि हाँ जी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगेन लाइक आई सेड, प्लीज़ इसको एडवाइस ना समझेगा, इट्स ओनली इन्फॉर्मेशन, गो सी समबडी जो आपसे बात करके सही तरीके से आपको एडवाइस देगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल बाय द वे। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, मुझे छोटा सा क्वेश्चन पूछा था कि बेसिकली मैंने अपने बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए भिजवाया था MN1 फॉर्म, टी फॉर्म जो है वो फिल करके भिजवाया था, तकरीबन 3 months and 3 weeks हो गए हैं ये। 3 weeks बाद हमें बायोमेट्रिक्स आ गया था और वो मैंने नेक्स्ट डे मैंने भिजवा दिया। अब 3 महीने बायोमेट्रिक्स के बाद हो गए हैं, अभी तक होम ऑफिस से कोई आंसर नहीं किया, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं मंगवाया, कुछ नहीं भेजा उन्होंने, तो ये मैंने पूछा था एक तो कितना टाइम इसमें लगता है, और क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा कि 3 महीने के अंदर अंदर ये हो जाता है, और दूसरा ये कि नवंबर के अंदर हमारी कोर्ट ऑफ अपील भी पेंडिंग है, तो इसका कोई फर्क पड़ता है इसके ऊपर? बड़ी मेहरबानी। देखें, जो टी फॉर्म है कि जो ये बोलता है कि जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ हो और उसकी उम्र 10 साल होगी हो, आप उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप अप्लाई करें, और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आई डू नॉट नो क्यों आपको ऐसा लगता है कि 3 months में हो जाता है, नॉर्मली से ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर किसी एक का 3 month में हो गया तो एक्सेलेंट, गुड फॉर देम, लेकिन नॉर्मली भाई टाइम लगता है, तो यू हैव टू बी पेशेंट ऑन दैट। कितना टाइम लगता है नोबडी नोज, बट एट द मोमेंट होम ऑफिस इस टाइप की एप्लीकेशन पे कैन टेक अप टू 8 months, बट रियलिस्टिकली आप परेशान होना शुरू हो जब 6 महीने तक अगर आपका डिसीजन नहीं आता है, देन यू कैन स्टार्ट गोइंग टू योर MP और MP को बोलेंगे जी हमने बच्चे की एप्लीकेशन डाली, अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया। अब आ जाते हैं कोर्ट ऑफ अपील के ऊपर। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आपका जो केस कोर्ट ऑफ अपील में गया हुआ है उसमें क्या मेरिट है और किस बेसिस के ऊपर कोर्ट ऑफ अपील के अंदर आपका केस है, आई डू नॉट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन दैट। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि जो कोर्ट ऑफ अपील में केसेज होते हैं वो होते हैं ऑन एरर ऑफ लॉ, कि जी ये डिसीजन होम ऑफिस ने लिया है और उसमें ये खराबी है। अगर उस डिसीजन में और कोर्ट ऑफ अपील की सुनवाई में कोई मेजर चेंज जाई हो जिसकी वजह से कोई लॉ नया अप्लाई होता हो, तो उसके लिए आपको पहले परमिशन लेनी होती है, या आप कोर्ट ऑफ अपील से प्रॉपर परमिशन लेते हैं अदर साइड के साथ कंसेंट करके, या आप फिर केस विड्रॉ करके फ्रेश केस डालते हैं, तो वो बड़ा डिपेंड करता है ऑन द मेरिट ऑफ योर केस। तो प्लीज़ अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको एडवाइस ना समझें, इट इज़ ओनली इन्फॉर्मेशन, यू नीड टू गो टू अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो आपकी कोर्ट ऑफ अपील में जिन मेरिट के ऊपर आप केस लड़ने हैं उसको असेस करके ये देखें कि अगर बच्चे को नेशनैलिटी मिलती है उस केस पे क्या असर पड़ता है। पहली बात, क्या उस केस के ग्राउंड्स अमेंड हो भी सकते हैं या नहीं, बिकॉज रिमेंबर इट्स एप्लीकेशन ऑन एरर ऑफ लॉ, तो अगर बीच में सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं विदाउट परमिशन, कोर्ट ऑफ अपील में आप उसको क्या उसको कहते हैं इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट भाई, एंड जस्ट बी लिटिल पेशेंट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो सर। जी, वालेकुम अस्सलाम, अपना सवाल पूछ लें। जी सर, मेरा एक सवाल है, मैंने थोड़ी देर पहले भी कॉल किया था, तो मैंने आपसे अपनी वाइफ के एक्सटेंशन का पूछा था, वो जो सेम डे सर्विस का मैं यूज़ करना चाह रहा था,
सर सवाल मेरा ये है कि मैंने बायोमेट्रिक्स का या फिंगरप्रिंट्स का पूछा था आपसे, तो उसमें मैंने लिखा था, सॉरी मैं जवाब दे देता हूँ। यस, और कोई सवाल? सर दूसरा सवाल ये कि अगर सेम डे सर्विस हम करते हैं तो क्या उसी दिन डिसीजन वीजा वगैरह मिल जाता है, या फिर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स में को हो तो बाद में? क्योंकि सर हमें समय शादी है उसमें जाना है, तो इसलिए हम जो ना मैंने साइट पे लिखा था कि जो बायोमेट्रिक आपके होते हैं, सॉरी आप फोन रख लें मैं बता देता हूँ भाई, जो बायोमेट्रिक होते हैं वो उधर ही लेते हैं, क्योंकि जब आप सेम डे सर्विस पे जाते हैं उन्होंने एक अलग विंडो रखी हुई है बायोमेट्रिक की, आप अंदर जाते हैं बायोमेट्रिक दे देते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो कार्ड है वो आपको उसी वक्त नहीं मिलता, वो एक दो दिन के बाद आता है, लेकिन क्योंकि आपने प्रीमियम सर्विस के पैसे दिए हुए हैं वो मैक्सिमम चार दिन के पास वर्किंग डेज के अंदर आपको मिल जाता है। सो डू नॉट वरी कि आपको मिलेगा ही नहीं दो तीन महीने तक, और जो डिसीजन है वो उसी दिन दे देते हैं, यानी कि डिसीजन आपके हाथ में पकड़ा देते हैं। अगर होपफुली आपको वीज़ा मिल गया तो कहते हैं कंग्रेचुलेशंस, और दो तीन दिन में आपका कार्ड आ जाए, वो वाकई आ जाता है, तो उधर घबराने की बात नहीं। जहाँ तक बात है फ़ी की, मेरे ख्याल से आपने सुना नहीं, मैंने वही अर्ज़ किया कि जो नॉर्मल एप्लीकेशन फ़ी है उसके ऊपर आई थिंक 504 pounds और 10 pounds वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, और वो फिर आपकी सेम डे सर्विस को कवर करता है। और एप्लीकेशन की फ़ी मैंने आपको बता दी थी कि वो 1400 आई थिंक 1493 pounds है। आपने बोला अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, अगेन आप होम ऑफिस की वेबसाइट पर जाएँ, प्रीमियम सर्विस पर जाएँ, उधर नीचे जाके जाएँ अप्लाई इन पर्सन, तो वो एक खुल जाता है स्क्रीन जिस पे आपने बंदे की डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल्स, नाम और एक पासवर्ड क्रिएट करके और एक ईमेल क्रिएट करके डालना होता है। विद इन 20 seconds आपके ईमेल जो आपने डाला होता है उस पर एक लिंक आता है, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं और उस पासवर्ड के साथ एंटर होते हैं होम ऑफिस की वेबसाइट पे, तो वो फिर खुल जाता है वो स्क्रीन जहाँ आप IHS के पैसे दे सकते हैं एंड बुक योर प्रीमियम सर्विस, और उसी के थ्रू यू हैव टू डू एवरीथिंग। तो मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे ये प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बिल्कुल आप किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की हेल्प ले लें एंड दे कैन असिस्ट यू विद ऑल दिस प्रोसेस। थैंक यू सो मच जी। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी, मेरा एक फ्रेंड है, उसे 9 or 10 years हो गए हैं इस कंट्री में ना, तो वो विजिट पे आया था, तो उसके बाद उसके लिए बेस्ट किया है, वो काफी परेशान है, वो जाता जाना जाता पाकिस्तान क्योंकि इसका इधर कुछ हो नहीं रहा, और उसके बाद आई थिंक उसके पास पासपोर्ट है या नहीं मैं श्योर नहीं, उसने मुझे बोला था, पर मैंने इसी वजह से आपका प्रोग्राम देखता हूँ रेगुलरली, तो मैं कॉल कर रही है, अगर उसके पास पासपोर्ट है कैसे दे, अगर नहीं है तो उसके लिए बेस्ट किया है, मैं फोन बंद करता हूँ, ये जरा डिटेल से बता दूँ। बड़ी मेहरबानी आपके कॉल की। देखें पहले यार मैं एक रिक्वेस्ट सारों से करता हूँ कि स्पेशली जो इस टाइप के हैं अपना टाइम प्लीज़ इधर ज़ाया ना करें, अगर आपका कोई या मेरिट नहीं है किसी भी तरह का तो देन प्लीज़ आप अपनी होम कंट्री जाएं और वहाँ जाके मेहनत करें, बिकॉज एट द मोमेंट आपकी एज यंग है, अगर आप यहाँ अपना टाइम ज़ाया करेंगे और ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड करेंगे फिर वापस जाके उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी। तो मुझे ये तो नहीं पता कि उसका कोई मेरिट है या नहीं, लेकिन लग रहा है कि जस्ट वेटिंग के कुछ चीज़ हो जाए, तो प्लीज़ उस तरह अपना टाइम बर्बाद ना करें एंड गो बैक टू योर होम कंट्री। जहाँ तक बात होती है वापस जाने की, अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं भी है एम्बेसी से जाके बनवा ले, वरना होम ऑफिस की एक वेबसाइट पे अगर आप जाएँ और वॉलंट्री रिटर्न आप लिख लें उनकी रिसर्च पे, तो वहाँ ऐसे कॉन्टैक्ट आ जाते हैं जिन लोगों को आप कॉन्टैक्ट करें होम ऑफिस के, तो वो आपकी हेल्प करते हैं आपकी एम्बेसी से पासपोर्ट बनवाने में भी, ताकि यू कैन गो बैक टू योर होम कंट्री। अगेन मुझे अक्सर लोग कहते हैं यार, मेरे अपने दोस्त भी जो टीवी पे कभी कभी मेरा शो देखते हैं कहते हैं यार तू सीधा सीधा बोल देता है कि वापस जाओ, उसकी वजह ये है कि मैं खुद एक बैकग्राउंड से इस तरह आया हूँ, कल्चरली डिफरेंट बैकग्राउंड से, तो मुझे फील होता है कि यार लोग यहाँ बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मजदूरी करते हैं, पीछे उनके वालदैन हैं, बहनें हैं, भाई हैं जो इस भरोसे पे हैं, और आप यहाँ एक्सप्लॉयट होते हैं, बिकॉज कॉलेज एक्सप्लॉयट करता है, लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉयट करता है, जो लोग काम देते हैं वो एक्सप्लॉयट होते हैं करते हैं, तो बेहतर है ये चीज़ें ना करें एंड देन गो बैक अगर आपका कोई केस के अंदर मेरिट नहीं। और जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनको ये बात पता है जो सुन रहे हैं कि यार मेरा कोई केस नहीं, मैं उस उम्मीद पर बैठा हूँ कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा, उससे बेहतर है लॉटरी ले लें फिर आप, और उम्मीद करता हूँ कि वो आपकी लॉटरी निकलें, बिकॉज जो भी मुसीबत में है दिल से उसके लिए दुआ निकलती है, सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, और भी जो लोग हैं इस तरह सोचते हैं वो यही बोलते हैं कि अल्लाह मियाँ हर एक के लिए बेहतर करे, नो मैटर आप कहाँ से हैं किस मज़हब से भी हैं, तो प्लीज़ बेहतर ये है कि
आप अगर कोई आपका केस नहीं है शुड सीरियसली थिंक अबाउट कि अपनी लाइफ में आप लोगों ने क्या करना है. सॉरी लेक्चर मैंने दे दिया बट आई फील स्ट्रांगली अबाउट दीज थिंग्स. और जो मुझे मिले होंगे इन पर्सन उनको भी पता है कि आई हैव वेरी स्ट्रांग व्यूज अबाउट दीज थिंग्स. मुझे बताया जाता है कि इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है. इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक.